दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पंजाब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लुधियाना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सचिव के सिंगला और लुधियाना के सेशन जज के.एस. कंग की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत विशेष तौर पर शामिल हुए, जिनका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विजय भारत वर्मा द्वारा स्वागत किया गया। इस लोक अदालत में जस्टिस सूर्यकांत ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल किया। इस मौके पर हजारों बैंकों, घरेलू झगड़े, चेक बाउंस आदि मामलों को सुना गया और हल किया गया। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शिक्षा हर इंसान के लिए जरूरी है, कानून सभी के लिए एक समान है, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण लोगों को कानूनों संबंधी पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि उनको अपने मौलिक अधिकारों का पता चल सके। मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये, तकरीबन 4100 केसेस तो कल ही आपस में सेटलमेंट होकर के पार्टीज का, जो दो तीन दिन से एक वीक से पेपर्स कर रहे थे, उसमें हमारे पास जो टोटल हमने केस कोर्ट में रखे थे तकरीबन 5000 केस हमने रखे थे, उनमें से ऑलमोस्ट 4100 कल हमारे डिसाइड हो गए हैं सेटलमेंट से, और 2000 से ज़्यादा केसेस आज फिर डिसाइड हो गए। हो चुके हैं या होंगे? आज हो चुके हैं, अभी चल रहा है, अभी केसेस चल रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें पार्टीज को कोई छुटपुट जैसी कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो हमारे ऑफिसर्स और बाकी लोग जो लोग अदालत में हैं वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके और एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, और हम क्वाइट पॉजिटिव हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बात पे कि आज भी हमारे डिस्पोजल एक्चुअल कोर्ट केसेस की मोर देन 2000 केसेस हैं। एडवोकेट मनीष प्रंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना तो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का स्वागत करना, साढ़े सारे बार मैंबर उन्होंने बहुत शुक्रगुजार ने जिन्हों के मदद के नाल इत्थे लुधियाने विच अज नैशनल लोक अदालत लगाई गई है। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने खुद हर कोर्ट से जाके एग्जामिन किया, काफ़ी लोगों को खुद भी समझाया, तो उन्होंने एफर्ट्स के नाल जिहड़े यंग जुडिशल अफसर ने उन्होंने भी बहुत अज केस लोक अदालत के सुलझाए ने। यह लोक अदालत का मंतव यह है कि सरकार ते लोगों ते जिहड़ा बोझ घटे।